हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ ऐसी दो रेसिपीज़ जो बनेंगी डेट्स यानी कि खजूर से। एक है फिल्ड डेट्स फिटर्स और दूसरा है डेट्स मिल्क शेक। तो आइए रेसिपीज़ शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डेट फिटर्स बनाने के लिए एक बैटर तैयार करेंगे, जिसके लिए हमें चाहिए आधा कप गेहूं का आटा और आधा कप मैदा। इसमें मिलाएंगे थोड़ा सा नमक और एक कप पानी, मिलाकर हम इसका एक गाढ़ा सा बैटर तैयार कर लेंगे। ये देखिए हमारा गाढ़ा सा बैटर बनके तैयार है। अब यहाँ पे मैंने कुछ खजूरें ली हैं, इसके बीज को हमें निकालना है। इसमें एक हल्का सा चीरा लगा लेंगे और इसके बीज को हम रिमूव कर लेंगे। अब बाकियों के भी हम सीड्स रिमूव कर लेंगे। इन खजूरों को आप ऐसे ही बैटर में डिप करके फ्राई कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी लगेंगी, लेकिन मैं इसे स्टफ़ करने वाली हूँ। तो उसके लिए हम एक बाउल में आधा कप डेसिकेटेड कोकोनट लेंगे और उसमें थोड़े से चॉप किए हुए नट्स ऐड करेंगे और 3 टेबलस्पून के करीब कंडेंस मिल्क मिला लेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं और आगे भी इसे देखते रहना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अभी हमारी स्टफिंग तैयार है, तो चलिए इन डेट्स को हम एक एक करके स्टफ कर लेते हैं। मैंने अभी 20-21 खजूरों को स्टफ़ कर लिया है, तो चलिए अब इनको फ्राई कर लेते हैं। एक एक करके खजूर लेंगे और इन्हें बैटर में डिप करेंगे, अच्छे से कोट करेंगे, उसके बाद हम इसे मीडियम हॉट ऑयल में ड्रॉप कर देंगे। इसे हम हल्का सुनहरा होने तक फ्राई कर लेंगे। ये हो गए हैं, तो चलिए इनको निकाल लेते हैं। तैयार है फिल्ड डेट्स फिटर्स, बहुत टेस्टी बनती है, तो एक बार तो जरूर ट्राई करें। चलिए अब दूसरी रेसिपी की तरफ, बनाते हैं डेट्स मिल्क शेक। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए 15 सीडलेस डेट्स। इसमें मिलाएंगे 2 इलायची के बीज और इसमें हम चीनी ऐड करेंगे। मैं 2 टेबलस्पून ऐड कर रही हूँ, आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही हम मिलाएंगे 10 से 12 काजू, इसे मैंने भिगो दिया था थोड़ी देर के लिए, और थोड़ा सा दूध हम ऐड करके इसका एक फाइन पेस्ट तैयार करेंगे। ये देखिए ये बहुत अच्छे से पिस गई है, तो अब मैं इसमें फ्रोज़न मिल्क ऐड कर रही हूँ। आप सिर्फ आइस क्यूब्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें हम 2 कप ठंडा दूध मिलाकर इसे फिर से ब्लेंड कर लेंगे। तो ये रहा हमारा बहुत ही यमी डेट्स मिल्क शेक। इसको मैंने थोड़े से पिस्ते के साथ गार्निश कर लिया है। आई होप आज की ये दोनों डेट्स की रेसिपीज़ आपको ज़रूर पसंद आई होंगी। पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें और प्लीज़ शेयर ज़रूर करें। इंशाल्लाह अगली बार मिलेंगे एक और रेसिपी के साथ। तब तक टेक केयर।